निज़ामुद्दीन खान, मैं सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया दिल्ली प्रदेश का कन्वीनर हूँ। तो डॉक्टर साहब, ये देखा गया है कि कभी मुस्लिमों को टारगेट बनाते हैं तो कभी दलितों को टारगेट बनाते हैं तो कभी संविधान के तहत संविधान से छेड़छाड़ करते हैं, तो इनकी क्या मानसिक स्थिति, क्या मंशा है इनकी? भाई देखिए, आरएसएस राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जो एक अपने आप को सामाजिक संगठन कहती है, सामाजिक संस्था कहती है, उसका एक उद्देश्य है कि इस मुल्क का जो धर्म निरपेक्ष स्वरूप है, जो ये सेकुलर डेमोक्रेटिक स्टेट है, उसको ख़त्म करके इसको हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए। तो उनके रास्ते में जो भी आएगा ये उसको टारगेट करेंगे, और इसमें नो डाउट कि उनके रास्ते में सबसे बड़ी जो रुकावट है वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा है। उनके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट इस देश के मुसलमान हैं, इसलिए ख़ास तौर से मुसलमानों को और दलितों को ये लोग टारगेट बनाने का काम कर रहे हैं। आगामी योजना क्या रहेगी, या कभी दलित मुस्लिम एकता होगी? नारे लगाते हैं आप लोग, दलित मुस्लिम करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार, लेकिन अभी तक दलित मुस्लिम एक नहीं हुआ है। भाई देखिए, नारे लगाने से काम चलने वाला नहीं है, अमली तौर पे दलित शोषित समाज को और मुसलमानों को, जिसके बारे में जस्टिस सच्चर जी ने अपनी रिपोर्ट में कह दिया है कि मुसलमानों की हैसियत जो है वो दलितों से भी बदतर हो गई है, तो अब इन दोनों कम्युनिटी के लोगों को अमली तौर पे इकट्ठा आना होगा और मिलजुल के इस लड़ाई को लड़ना होगा। ये दोनों की लड़ाई है, और दोनों की लड़ाई नहीं है बल्कि इस मुल्क के सेकुलर सभी को बरकरार रखने के लिए, इस मुल्क के धर्म निरपेक्ष स्वरूप को बरकरार रखने के लिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाए रखने के लिए, इन दोनों कम्युनिटी के लोगों को, बुद्धिजीवियों को, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को आना होगा और मिलजुल के काम करना होगा।